तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आवर वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ग्लैश स्टार। और आज के वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक और न्यू सर्वाइवल सीरीज माइनक्राफ्ट में। जी हाँ, और इस सीरीज में काफ़ी कुछ नया होने वाला, अलग होने वाला है जो मैंने बाकी सीरीज में कभी भी मतलब कि ट्राई नहीं किया है। और ये सीरीज थोड़ी लंबी चलने वाली है अपनी, थोड़ी खास है ये। LTS नाम है इसका फुल फॉर्म, आप खुद पता लगा लो। तो खैर, ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए इसको शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, अभी शुरू में वही सारी चीज़ें सेम है, जैसे कि लकड़ियाँ तोड़ेंगे, टूल्स बनाएंगे, सिप्स मारेंगे। वैसे तीन सिप्स मिल चुके, बेड बन जाएगा। तो खैर, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने वाला हूँ और काफ़ी कुछ प्रोग्रेस मैं अभी फटाफट से करने वाला हूँ, यानी कि बेड वगैरह तैयार कर लूँगा और काफ़ी कुछ थोड़ी बहुत माइनिंग वगैरह। तो मिलते हैं थोड़े दिनों के बाद में, एक्चुअली मैं थोड़े दिन के बाद अभी वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बीच में मैं ऑफलाइन ही खेला था। तो चलो मिलते हैं फिर। तो चलो, आ चुके थोड़े दिनों के बाद और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये चेरी ब्लॉसम वाला जो कि बायोम भी है, जो कि देसी सर्वाइवल वाली सीरीज में जिसके सिर्फ दो एपिसोड बने हैं उसमें भी था। खैर, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और सबसे पहली चीज़ कि मैंने काफ़ी कुछ कर लिया, बेड, दो बेड। वैसे तो यहाँ पर अभी मुझे विलेज भी मिला था, तो वहाँ से मैं कुछ बेड उठा के लेके आ चुका हूँ। बाकी मैंने काफ़ी माइनिंग करी थी और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी केव है जहाँ पर मैं गया था माइनिंग करने के लिए, और मेरे को काफ़ी कुछ वहाँ से सामान मिला है और मैं फिर से भी जाऊँगा अभी माइनिंग करने। चलो यार, ये जगह भी मुझे काफ़ी ठीक लगी है और मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह को पूरा मैं अभी फ्लैट करूँगा। और जो ये 85-86 देख रहे हो यहाँ पर, इसको मैं 83 लेवल तक इसको पूरा फ्लैट करूँगा और फिर बनेंगे अपने खतरनाक बिल्ड्स। तो गाइस, ये वो विलेज है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर अभी विलेजर्स कम ही है, मुझे लगता है कि इनकी ब्रीडिंग वगैरह करानी पड़ेगी। खैर, वो सब बात का काम है। और सबसे पहले तो ये देखो भाई, वेंडरिंग ट्रेडर भी आया हुआ है यहाँ पर, देख लेते क्या दे रहा है। वैसे तो अभी मेरे पास एमरल्ड्स नहीं है, लेकिन देख लेते। यार कुछ नहीं यार, ये कचरा ही दे रहा है। ओ भाई साहब, खैर फिर भी एक चीज़ ये काम की लाया है और वो है लीड्स। तो इसको मारते हैं फटाफट और लेते हैं दो लीड्स फ्री की। चलो भाई, ये देख सकते हो मिल गई है। अरे भाई साहब, एक तो इसके लामा थूकते बहुत खतरनाक है। अबे निकल जाए यहाँ से। चलो, तो खैर यही था विलेज का। और चलो अब अपने बेस में चलते हैं, क्योंकि मैं अब करने वाला हूँ थोड़ी बहुत माइनिंग। वैसे तो अभी मेरे पास आयरन्स पड़े हैं काफ़ी और मैं अपने लिए एक जो कि आयरन का आर्मर भी बना लूँगा, लेकिन फिर भी चलो एक थोड़ी देर और माइनिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि डायमंड्स भी मिल जाए। खैर चलो, जल्दी से फटाफट से अपने बेस में चलते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि माइनिंग से पहले मैं थोड़ा बहुत जो अपना एरिया है इसको फ्लैट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास फालतू की डर्ट्स पड़ी है, तो मैं इनको यूज़ कर लेता हूँ ताकि अपनी जो है जगह थोड़ी खाली हो जाए। तो ये मैं थोड़ा एरिया फ्लैट करने के बाद में जाऊँगा माइनिंग करने के लिए। तो चलो फिर। तो गाइस, सब चलते हैं सीधा माइनिंग पे और जो जो सामान लेना था वो मैंने ले लिया है और देखते हैं क्या क्या मिलता है। वैसे मैं ऑलरेडी गया हुआ हूँ काफ़ी, जो कि इस कैव को मैंने एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन देखते हैं और अगर कोई नई चीज़ें है जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ वहाँ पर, देखते हैं क्या क्या मिलता है। ओके, तो लगता है यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, देखते हैं क्या। ओके, ऊपर भी आयरन है तो यहाँ पर मुझे आयरन मिल जाएगा। ओके, नीचे भी आयरन है यहाँ पर, चलो ये बात ठीक है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है आयरन ज़्यादा है यहाँ पर, पहले इसको तोड़ के देखते कितना है। जी हाँ, लगता है इधर मिल जाएंगे। ठीक है, इधर काफ़ी आयरन्स है और ऊपर भी थे आयरन्स, तो इन सबको मैं फटाफट से तोड़ देता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से काफ़ी सारी जो कि टॉर्चेस वो बना कर रखी थी, तो अभी देखते हैं आगे चलते हैं, देखते क्या 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 मिलता है। और वैसे तो मुझे लगता है कि इस एपिसोड में मुझे नहीं लगता कि डायमंड्स मिलेंगे। खैर देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ पर और आयरन्स है, आयरन्स काफ़ी मिल रहे हैं इधर। तो अभी मैं यहाँ पर आया था और ये एक सेकेंड भाई, ये क्या चीज़ है यार, ये काफ़ी ख़तरनाक लग रही है यार। ओ भाई साहब, ये क्या है, नीचे एकदम गहराई तक है यार। मैं अगर यहाँ पर गिर विर गया तो दिक्कत हो जाएगी। खैर चलते हैं, सामने कुछ लावा जैसा भी दिख रहा है, उधर भी चल के देखते हैं क्या क्या है। अरे मुझे समझ नहीं आया यार, नीचे है क्या। खैर जाएंगे। और भाई साहब, क्रीपर आ गया यार, ये कहीं ना पटक ना दे, इसको मारते हैं पहले तो। हाँ ठीक है। खैर, ओ भाई साहब अंधेरा कर दे इसने। चलो यहाँ पर और आयरन्स है, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो भाई लोगों, मुझे लगता है कि अभी तक इतनी माइनिंग ठीक रहेगी, ज़्यादा मैं इसमें नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी सारे आयरन्स हो चुके हैं। तो अभी सीधा निकलते इस केव से बाहर
तो मैं आ चुका हूँ बाहर, और सबसे पहले मैं बनाने वाला एक ब्लास्ट फर्नेस ताकि उसमें अपने जो जल्दी से आयरन है वो पका सकूँ, और फिर मैं अपना खुद का एक बना लूँगा आयरन का आर्मर, जो कि इस वर्ल्ड का इस सीरीज का पहला आर्मर होने वाला है। और उसके बाद मैं जाऊँगा सीधा वापस से विलेज में, और विलेज में जाकर मैं एक विलेजर को पकड़ने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं बनाने वाला हूँ अपने जो कि आयरन्स के टूल्स है, जैसे कि स्वॉर्ड हो गया और ये स्टोन की जो कि पिकेस वगैरह, इनको मैं हटा दूंगा भाई, सही नहीं लगता यार, ये सही बता रहा हूँ। आयरन्स काफ़ी है भाई, आयरन्स के टूल्स लेके घूमेंगे तो चलो। और मैं सोच रहा हूँ एक सॉवल भी बना दूँ, उसको क्यों पीछे छोड़ूंगा मैं। हाँ देखा, अब लग रहा है ना मस्त, अब बस अपना आर्मर एकदम तैयार हो जाए। ओके तो सबसे पहले अपना हो गया हेलमेट, और ये चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, और ये आ गए अपने जूते बूट्स। चलो भाई पहनते इनको एक एक करके। सबसे पहले बूट्स, लेगिंग्स, चेस्ट प्लेट और हेलमेट, और ये पकड़ ली तलवार। अब लग रहा हूँ ना भाई एकदम अच्छा खासा प्लेयर। तो मैं आ चुका हूँ विलेज में, और देखते हैं वो विलेजर कहाँ पर है। यहाँ पर ही था भाई, और उसको फटाफट से पकड़ेंगे और फिर बना देंगे उसको लाइब्रेरियन। वैसे तो यहाँ पर मेरे ख्याल से लाइब्रेरियन होना चाहिए। ओके यहाँ पर ये है ना, इसकी जो भी कहते हैं इसको, लेक्टन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्या भूल गया, हाँ 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 भाई मेरे लेक्टन। तो भाई इसको मैं यूज़ करूँगा, और बार बार इसको तोड़ के वापस लगाएंगे तो एक फॉर्चून 3 वाला बंदा अपन को मिल जाएगा। और अगर बीच में कहीं मेंडिंग वाला आ गया ना, ये मेरे को अभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को मेंडिंग का देखेंगे बाद में, अभी मेरे को चाहिए फॉर्चून। भाई मैं ऑलरेडी इसको पूरा विलेज को मैं इसको लूट कर आ चुका हूँ, तो अभी इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें बची हुई है। और कहीं विलेजर कोई बढ़िया सा मिल जाए ना, मेरे को लगता है कि बनाना ही पड़ेगा। और मेरे को लगता है सबसे पहले एक बनानी पड़ेगी बोट, और बोट बनाकर उसमें एक विलेजर को बिठा कर उसको थोड़ा सा अपने बेस की तरफ लेके आते हैं, और फिर उसको बना देंगे लाइब्रेरी, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर एक विलेजर है, इसको मैं पकड़ सकता हूँ। वैसे नीचे बस बोर्ड रखनी है और ये बैठ जाएगा अंदर, अगर नहीं टकले, ये टकले का टप्पे। तो ये रख देते हैं बोर्ड यहाँ पर, और लगता है इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, ब्लॉक को तोड़ते हैं। है, ये क्या होगा भाई, अरे भाई बिल्ली बैठ गई यार। अरे यार बिल्ली बैठ गई, मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ लेकिन, अरे यार खैर क्या करूँ, गलती इसकी थी भाई, वो अंदर बैठी यार, मैंने कोई पाप नहीं किया उसको मार के। तो चलो अब इसको तोड़ते हैं और ये बैठ जाएगा अंदर। अरे नहीं बैठा, लगता है थोड़ा धक्का देना पड़ेगा इसको, बैठ जा कटप्पे, अरे कटप्पे बैठ जा भाई, बैठ जा, हाँ ऐसे सब बस। अरे मैंने लीड्स नहीं लगाया यार, अरे भाई साहब मुझे भी अब इसको मतलब कि अंदर बैठ कर इसको चला कर लेके जाना पड़ेगा। खैर क्या कर सकते, सबसे पहले मैं सो जाता हूँ, रात हो रखी है, एक सेकेंड। अरे नूबड़े साइड में लगा, हाँ हाँ इधर इधर। अरे यार एक तो ये मॉन्स्टर कहाँ पे मॉन्स्टर, तू है, अरे जॉम्बी जॉम्बी, मारो इसको जॉम्बी, मारो 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 मारो, हाँ ऐसे सब सो जाता, चलो गुड नाइट। और अभी यार मैं लीड्स लाया होता ना तो इसको आसानी से ले जा लेता भाई, लीड्स नहीं लाया मैं, मेरे पास है भी नहीं। खैर क्या कर सकते, बैठ लेते अपना फटाफट से विलेजर। और यहाँ पर ये भी तो है, इसको अगर मैं इन दोनों को अगर मैं पकड़ लूँ और वहाँ ले जाकर इनकी ब्रीडिंग कराऊँ। अरे यार मैं इसको पूरा अपने बेस तक नहीं ले जा पाऊँगा यार, बहुत दिक्कत होगी। इसको एक काम करते, थोड़ा सा विलेज से दूर ले जाता है, ठीक है। अरे यार ये इसकी देन, अरे कभी क्रीपर नहीं, क्रीपर नहीं, क्रीपर नहीं भाई, क्रीपर फूटना मत भाई। अरे यार इसकी, अरे क्रिपर बैठ गया भाई अंदर, बोर्ड में बैठ गया भाई। एक तो पहले से तो निपट लेते, उसका बाद में देखा जाएगा, मर जा बे, हाँ। अरे यार मैं इसको कैसे मारूँ, लगता है मुझे थोड़ा एकदम मतलब कि, हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, अरे भाई साहब कटप्पे की जान एकदम बोर्ड में है, जान बोर्ड में भाई, कटप्पे कटप्पे मर गया भाई। अरे यार मैं मेरी गलती नहीं भाई, कटप्पे की गलती भाई, उसको उतर जाना था, वो भाई क्या कर रहा है, उसके पास दिमाग है नहीं है, पीछे क्रीपर बैठा है, वो बैठा है मजे से गीत गा रहा है भाई, उसकी गलती, उसको उतरना चाहिए यार, मैंने फिर से कोई पाप नहीं किया भाई। खैर कोई बात नहीं, इसको पकड़ लेते, इसको ले जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इसको, खैर अरे हाँ पहले ये कर रहा हूँ भाई, बोर्ड में बैठ जाओ भाई, बहुत शौक है ना बोर्ड में बैठने का, थोड़ा सा और दूर ले जा रहे मैं यार अपने बेस तक तो अभी तो नहीं ले जा पाऊँगा, ठीक है मुझे कोई और तरीका देखना पड़ेगा। मैं इनकी अगर ब्रीडिंग करवाऊँ ना, मैं हंस नहीं रहा हूँ यार, मैं भाई मैं सोच रहा हूँ, मैं फ्यूचर का सोच रहा हूँ, एक तो दिमाग लगो भाई, एक बार ब्रीडिंग करवा ली, बहुत सारे विलेजर्स होंगे, फिर मैं कुछ भी मतलब कि जो कि बुक्स वगैरह होगी, एंचेंटेड बुक्स और ये कुछ भी हो चाहिए होगा, नेम टैग वगैरह, वो मैं ले लूँगा यार, कुछ ब्रीडिंग तो करवानी पड़ेगी भाई। अरे यार मैं विलेज में भी करवा लेता हूँ, वो
क्यों अभी इतनी माथाफोड़ी करूँगा, उधर ले जाऊँगा करूँगा, तो लगता है थोड़ा सा नीचे उतार देते इसको। ठीक है, और यहीं पे इसको मैं एक काम करता हूँ, चेंज करने की कोशिश करूँगा, देखते अगर ये यहाँ पर ही लाइब्रेरियन बन जाता है तो थोड़ा सा मैं इसको चारों तरफ से बंद कर देता हूँ पहले। खैर वैसे तो ये बोर्ड से कहीं जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने चारों तरफ से बंद किया क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर से अब कोई क्रीपर वगैरह आकर अंदर बैठ जाए और फिर से इसको भी मार दे। तो सबसे पहले लेक्टन को रख दिया है, बेड को रख दिया है, देखते हैं चेंज हो रहा है नहीं। नहीं हो रहा भाई। ओ भाई साहब, मुझे लगता है मुझे वो जो पहले वाले इसके लगाए पड़े हैं ना उसको तोड़ना पड़ेगा, मुझे तो यही सीन लग रहा है। तो चलो देखते हैं क्या है। हाँ लगता है ये काम बनेगा। अरे 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 भाई ये क्या हो रहा है? अरे भाई अबे मर गया भाई, तू मर कैसे गया? अरे तू 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 क्या है भाई, तू ये क्या आदमी यार ये? भाई यार आज की किस्मत ही खराब है, मैंने उसको अरे 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 यार इसको डर्ट को हटाओ भाई, मैंने उसको बोर्ड में बिठाया हुआ था उसको डर्ट के अंदर डाल दिया यार, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। खैर अरे मैं बोर्ड में क्या करूँ भाई, उतर जा, तो कितनी बड़ी नूबड़ापंती करूँ। हाँ शाबाश, अरे बैठ जा भाई, अरे आप ही के लिए तो सजा के रखी थी, शाबाश आप ही के लिए तो थी, मैं तो चला भाई। मुझे अभी अभी पता चला है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 विलेजर्स थे जिनमें से 2 मर चुके हैं और अब एक फाइनल विलेजर ही रहा है, इसका मतलब ब्रीडिंग वाला प्लान तो अब नहीं हो पाएगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, क्योंकि उसके लिए चाहिए होते हैं 2 विलेजर। अब मैं एक विलेजर्स को अगर मैं ब्रेड खिलाऊं और एक खुद सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, होगा तो नहीं यार ऐसा कुछ होगा क्या? ये भाई यार क्या सोचता रहता हूँ भाई, एक तो कचरे वाला दिमाग लेकर। खैर अभी यहाँ पर एक विलेजर है और लगता है मुझे इसी को ही लाइब्रेरियम बनाना पड़ेगा, अभी खेती कर रहा है। खैर छोड़ो। A few moments later. तो भाई काफी मेहनत मशक्कत के बाद फाइनली मैंने इसको लाइब्रेरी बना दिया है, ये बन चुका है लाइब्रेरी है। और सबसे पहले मैं इसको चारों तरफ से बंद करूंगा और इस बार अच्छे से बंद करूंगा। वह खैर इस बार तो बोर्ड में वो बोर्ड में भी नहीं है तो मरेगा तो नहीं बिल्कुल भी। यार मैं पिछली बार बेवकूफ़ी कर दी बेचारे के साथ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो आउटो कर लेते तो मिलते अगली वीडियो में। अरे 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 भाई 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 भाई, अरे यार ये क्या हो गया था? अरे यार एक मैं क्या कर रहा हूँ भाई, छत को मैंने छत को बंद ही नहीं किया भाई, ये बेचारे यूं ही मर जाता। मैं यार मैं फिर से पाप कर देता भाई, यार मैं तो अरे फिर से आ गया भाई, रुक जा 2 मिनट रुक जा, मुझे ठीक से बातें करने दे भाई। अरे यार सॉरी भाई, देख मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ लेकिन क्या करे, थोड़ी छत बना देता हूँ सबसे। अबे हटना भी मरे क्यों फिर से? हाँ सबसे पहले इसको बंद कर लेता हूँ फिर आराम से मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है भाई? सही में मैं आउटरो कर रहा था और एकदम से ऊपर से जॉम्बीस टपक गया भाई, ये तो ठीक है इसको मारा नहीं ये मुझे ठीक लग रहा है, ये वाला विलेजर इसने इतने फटके खाए लेकिन बेचारा अभी तक जिंदा है। ओ भाई साहब ये ठीक है, इसको ठीक पकड़ा है, वरना वो चिंदी बिंदी, एक तो भाई क्रिपर से मर गया वो बात अलग है, एक वो डट से मर गया भाई, डट से कौन मरता है यार? मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो भाई इस वीडियो का यहीं पे करते हैं रैप अप। वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताना और यार प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि यार आपको वीडियो तो अच्छी लग जाती है लेकिन आप लाइक नहीं करते हो और फिर मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक फ्यूचर ट्रेस नाम का एक आता है एडन, उस एडन को लगाने से क्या होता है कि ये जो ट्रेड हम करते हैं विलेजर से वो हमको दिख जाती है आगे आने वाली, तो वो मैं सोच रहा हूँ यूज़ करो। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।